मॉड्यूल 106 ट्रीटमेंट ऑफ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर ना वी विल टॉक अबाउट द सीबीटी ठीक है कि कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी जो है आ, वो कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करती है कि जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर चिल्ड्रंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी ऑल नो कि हम कॉग्नेटिव रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन कि आइदर बच्चा अपने थाट प्रोसेस आपको बता सकता है या नहीं बता सकता ठीक है तो इसके अंदर जो सेल्फ मॉनिटरिंग है वो आमतौर पर एनकरेज की जाती है जिसके अंदर हम बच्चे को ये कहते हैं कि वो ट्रिगर्स की जो है उसको रिपोर्ट लिखना शुरू करे या उसके बारे में बताना शुरू करे कि किन किन टाइम्स के ऊपर उसको फील होना शुरू होता है कि उसको एन्ज़ाइटी जो है वो होना शुरू होने वाली है या हो रही है ठीक है तो जिस वक़्त वो ट्रिगर्स जो हैं वो हमें बताना शुरू करेगा सेल्फ मॉनिटर करना शुरू करेगा और ये देखना शुरू करेगा कि उसको बिहेवरल फ़ीचर्स क्या आ रही हैं या उसके जहन में सोच क्या चल रही थी उस वक़्त तो वो हमें हेल्प करेगी किस चीज़ के लिए उसके अंदर डिफरेंट कोपिंग स्ट्राटजीज़ डेवलप करने के लिए क्योंकि कोपिंग स्ट्राटजी जब बच्चा डेवलप कर लेता है कि उसने अपनी इन्जाइटी को हैंडल कैसे करना है तो फिर जो है चीज़ें उसके लिए बेहतर हो जाती हैं फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा ये कहता है कि आ, उसका जो एक्टिवेटिंग इवेंट है वो ये है कि जैसे ही और वो देखता है दरवाजे से बाहर और उसको उसकी मदर नज़र नहीं आती तो उसके साथ ही जो उसकी हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है या उसको अपने चेस्ट के अंदर सफोकेशन फ़ील होना शुरू होती है तो हम उस वक्त पे बच्चे के अंदर जो डिफरेंट कोपिंग स्ट्राटेजीज़ हैं उसमें हम उसको ये कह सकते हैं ओके जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप डीप ब्रीथ करो ठीक है यानी आपने एक गहरा लंबा सांस अंदर लेके जाना है और फिर उसको मुंह से बाहर निकाल देना है ठीक है तो इस तरह जब आप डीप ब्रीथ करोगे तो जो इन्ज़ाइटी है जो उसकी बॉडी के अंदर टेंशन है और जो उसके टेस्ट टेंशन है और जो उसके चेस्ट में टेंशन है उसको जो है वो रिलीफ मिलेगा ठीक है तो इस तरह की जो डिफ़रेंट टेक्निक्स हैं वो उसको हम बता सकते हैं बिहेवरल लेवल पे इसी तरह अगर वो हमें ये रिपोर्ट करता है कि जी और वो जैसे ही ये देखता है कि उसकी मदर जो है वो बाहर नहीं बैठी हुई और उसको यूँ लगता है कि जैसे उसकी मदर को कोई इंजरी हो गई है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि वो उस वक्त अपने आप को कामिंग स्टेटमेंट्स दे लाइक वो अपने आप को ये कह सकता है कि आ, मदर जो है वो पानी पीने के लिए उठी होंगी या मुझे पता है वो ठीक है आ, शी इज़ ऑल राइट और वो अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी ठीक है या आ, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के उनका इंतज़ार कर सकता हूँ और मुझे पता है कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि उस बच्चे के जो थॉट्स हैं वो उनको काम डाउन कर सके और उसको फिजिकली जो है आ, वो लोअर डाउन कर सके उसकी फिजिकल हाइपरनेस को तो वो वाली स्टेटमेंट जो है वो हम बच्चे को कहेंगे कि वो उन स्टेटमेंट्स को यूज़ करें आम तौर पर बच्चे के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो ख़ुद भी आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देते हैं जैसे अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरी मदर भी पानी पीने के लिए गई हैं और वो वापस आ जाएंगी तो मैं बेहतर फील करता हूँ तो आप यही जो स्टेटमेंट है ये आप उसके लिए कोपिंग स्टेटमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो इस किस्म के जो डिफ़रेंट कोपिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज uh, हैं uh, वो हम बच्चों के साथ यूज़ करते हैं ताकि उनका जो बिहेवियर है और उनकी वो जो थॉट्स हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रही हैं वो जो है वो उसको हैंडल कर सकें थैंक यू